पर्यावरण विज्ञान की नज़र से पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्र के लोगों ने पाया कि उनके इलाके में पक्षियों की चहचहाहट नहीं सुनाई दे रही है और न ही वे कीट पतंगों व मधुमक्खियों की भुनभुनाहट सुन पा रहे हैं। पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म हो गए हैं। 1962 में रैचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध वसंत साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्य पर भी पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले DDT का जहर झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुंच जाता है। जहर की इस छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियां मर जाती हैं और कुछ जिंदा रह जाती हैं, किंतु जब उन्हीं मछलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं तो उनके भीतर घुली रसायन की मात्रा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। रैचेल के खोज इस बात के स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार मनुष्य के क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर पड़ता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा एक विशाल ताना बाना है जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुँचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान या मिट्टी हो, या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक पर हो रहे क्रिया से सभी देर सबेर प्रभावित होंगे। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में वे धीरे धीरे संचित होते रहते हैं और कैंसर जैसे लंबे समय की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अगर हम रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जीव या उस पानी को पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं और उन्हें खाने वाले मानव प्रभावित होते हैं। इसी तरह हवा में प्रदूषण बढ़ने या जंगलों के काटने से या खदानों से पर्यावरण प्रभावित होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के हर तत्व आपस में गूंथे हुए हैं। अपशिष्ट उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं, या फिर जब हम बिस्कुट खरीदकर खाते हैं तो प्लास्टिक रैपर को बेकार मानकर फेंक देते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए रसायन युक्त पानी या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है, बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई से कागज बनाना या उसे ईंधन के रूप में उपयोग करना। इस प्रकार विशेष संयंत्रों से गंदे पानी या धुएं से हानिकारक रसायनों को अलग किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है, इनके अंधाधुंध उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वह इस संपदा को नष्ट कर देगी। नदियां नालों में बदल रही हैं, भूमि और वायु प्रदूषित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस पाठ में प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे और इन द्वंद्वों पर विचार करेंगे। पिछले 10,000 वर्षों में मानव समाज का प्राकृतिक संसाधन के साथ रिश्ता कैसे कैसे बदला है। प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है, उदाहरण देकर समझाइए। प्राकृतिक संपदा के बारे में कबीलाई समुदायों में क्या सोच थी
और वे उनका उपयोग किस तरह करते थे। औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है? क्या वे इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं? आज हमारे सामने प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए किस किस तरह के विचार हैं। परियोजना कार्य। इंटरनेट पर साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक का सारांश पता करें और उसकी एक संक्षेपिका कक्षा में प्रस्तुत करें। पता करें कि अपने क्षेत्र में आज भी DDT कीटनाशक का उपयोग होता है या नहीं। अगर हाँ तो कहाँ और किस तरह उसका उपयोग कौन करवाता है। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। वह केवल उन्हें अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। उदाहरण के लिए जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है को नहीं। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात को नहीं। आप इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, कारण सहित चर्चा करें। नदी का पानी, बोतल में बंद मिनरल वाटर, डीजल, सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन, खनिज तेल, संगमरमर, मुर्गा, गन्ना। प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित हैं उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि। कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन कहते हैं। संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और आसानी से नहीं बनते उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।